के विभागों के बंटवारे से जुड़ी खबर आपको बता दें कि मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो चुका है। भजन लाल शर्मा के पास कुल 8 विभाग है, उन्होंने 8 विभाग अपने पास रखे हैं, तो वहीं दिया कुमारी के पास 6 विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं सवाल पूछा जा रहा है कि सरकार में कौन सबसे दमदार मंत्री होगा, किस मंत्री को कौन सी जिम्मेदारी मिली है और कौन इस सरकार में सबसे दमदार है, ये जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। तो रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये लिस्ट देखिए जहां पर 8 विभाग मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अपने पास रखे हैं, तो वहीं कई महत्वपूर्ण जो विभाग है वो दोनों डिप्टी सीएम को सौंपे गए हैं। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। तो एक एक कर लिस्ट में आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से वो मंत्री जिन्हें बड़े विभाग सौंपे गए हैं। तो मंत्रियों के विभागों का पूरा एनालिसिस भी आपको दिखाएंगे, और जब से विभागों का बंटवारा हुआ है लोगों के मन में सवाल ये है कि जो बड़े विभाग है वो आखिर किसे दिए गए हैं, सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है, क्योंकि बीजेपी तो कई सारे मुद्दों को लेकर सरकार में आई है, लेकिन सवाल यह है कि इन मुद्दों को, इन वादों को बीजेपी कैसे पूरा करेगी, लॉ एंड ऑर्डर को कैसे सुनिश्चित करेगी। तो ऐसे में आपको बता दें कि जो गृह मंत्रालय है वो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अपने पास ही रखा है। सुनाते हैं आपको रिएक्शन इस पर। डिपार्टमेंट्स कैसे लाएंगे? अच्छा लगा, जो भी मिला उसको अच्छी तरीके से फिर भी जी। भाई साहब टेक्निकल इंजीनियरिंग और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, भाई साहब ऐसा लग रहा है, नए डिपार्टमेंट्स कैसे लाएंगे? अच्छा लगा, जो भी मिला उसको अच्छी तरीके से फिर भी जी। भाई साहब टेक्निकल इंजीनियरिंग और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, भाई साहब ऐसा लग रहा है, नए डिपार्टमेंट्स कैसे लाएंगे? अच्छा लगा, जो भी मिला उसको अच्छी तरीके से फिर भी जी। तो डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा को आप सुन रहे थे, जहां पर उनसे पूछा गया कि ये जो नया विभाग मिला है, जो बड़ी जिम्मेदारी मिली है, उसे आप कैसे संभालेंगे। तो उन्होंने कहा कि जो भी संभालेंगे अच्छी तरह संभालेंगे। और अब एक एक कर आपको बताते हैं कि किसे किसे कौन कौन सी जिम्मेदारी मिली है। सबसे पहले बात मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की, जिनके पास आबकारी है विभाग, गृह और कार्मिक विभाग भी है। कुल 8 विभाग मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अपने पास रखे हैं। मदन दिलावर की बात करें, कैबिनेट मंत्री हैं, शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी मदन दिलावर को दी गई है। ये भी बड़ा विभाग है और एक बड़ी जिम्मेदारी। अब देखना है कि मदन दिलावर इस जिम्मेदारी को कैसे निभाते हैं। तो शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी मदन दिलावर को दी गई है। हीरा लाल नागर की बात करेंगे, राज्य मंत्री है स्वतंत्र प्रभार से। ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी हीरा लाल नागर को दी गई है। तो जो 22 मंत्री जिन्होंने शपथ ग्रहण किए थे, अब उन्हें विभागों की जिम्मेदारी मिल गई। एक एक कर आपको बता दें, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कैबिनेट मंत्री हैं, उद्योग वाणिज्य की जिम्मेदारी राठौड़ को दी गई है। तो और नाम आपको बताएंगे, वो 22 मंत्री जिन्होंने शपथ ग्रहण किए उन्हें क्या जिम्मेदारी मिली। हेमंत मीणा की बात कर लेते हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, राजस्व विभाग की जिम्मेदारी हेमंत मीणा को सौंपी गई है। सुमित गोदारा की बात करेंगे, कैबिनेट मंत्री हैं, खाद्य नागरिक आपूर्ति का जिम्मा सुमित गोदारा को दिया गया है।